हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम अभिषेक सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? तो आ जाते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पर, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कल के लेक्चर में, या फिर आने जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उन सभी में हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात की, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। पहले मैंने बताया था आपको कि हम इस चैप्टर में मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि जो एड्सॉर्प्शन, जिसका हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, एड्सॉर्प्शन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर अट्रैक्ट करे, उसे हमने एड्सॉर्प्शन कहा था। ये फेनोमेनन किस वजह से होता है? बिकॉज जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, या फिर वो अनबैलेंस होते हैं, इस वजह से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ये हमने मैकेनिज्म तो देखा, बट आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जब एड्सॉर्प्शन होगा तब थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या रोल करेगा, या फिर क्या सिस्टम में क्या चीजें हो रही। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आपको पता है, थर्म मीन्स टेम्परेचर एंड डायनेमिक्स मीन्स द चेंज। तो द चेंज इन टेम्परेचर या फिर द चेंज इन एनर्जी। तो पर्टिकुलरली एड्सॉर्प्शन के टाइम पर व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, या क्या क्या टर्म्स चेंज होंगे, तो इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक इक्वेशन याद आनी चाहिए। कौन सी बेसिक इक्वेशन है जिससे हम सब चीजें एक साथ कैलकुलेट करते हैं, या हम कोई भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस डिसाइड करते हैं। डू यू रिमेम्बर, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है एक ऐसा टर्म है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वो प्रोसेस होने वाली है या नहीं होने वाली, वो हमारा टर्म है गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी, व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस। डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी। ये फॉर्मूला आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, बट यही फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई करते हैं। क्या पता चलता है हमें इस फॉर्मूले से? अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो प्रोसेस होता है, क्या होता है प्रोसेस? प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू हो गई जीरो तो प्रोसेस या सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम पर। ये पॉइंट हम थर्मोडायनेमिक्स में देख चुके हैं, बट यहां पर इसे हमें अप्लाई करना होगा। तो किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे? सर, हमें यहाँ पर एंथाल्पी के टर्म को समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा एंट्रोपी कैसे काम करता है। तो वापस हम चलते हैं एड्सॉर्प्शन के टर्म पर, क्योंकि हमें एड्सॉर्प्शन का ही थर्मोडायनेमिक्स देखना है। तो जब अगर ये कंटेनर है, इस पे हमारा वाटर है या लिक्विड है कोई, इसके सरफेस पर पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे, एड्सॉर्प्शन। तो सबसे पहले, अब मैं डेल्टा जी की बात नहीं करता क्योंकि डेल्टा जी हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं डेल्टा एच की। अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि डेल्टा एच यहां पर होगा, क्या होगा? एक्सोथर्मिक बताया था। डेल्टा एच कौन सा साइन होगा ये नहीं बताया था। तो यहां पर डेल्टा एच का साइन क्या आएगा बेटा? अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब यहां पर प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज करना। हीट रिलीज अगर होगी तो एंथाल्पी हो जाएगी कम। अगर एंथाल्पी कम हो जाएगी मतलब बाद में कम है, कम। और हम एंथाल्पी चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारी फाइनल एनर्जी क्या होती है एब्जॉर्प्शन में? कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो लो एनर्जी माइनस हाई एनर्जी, साइन क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगी नेगेटिव। क्यों?
छोटे से अगर बड़े को माइनस किया, मतलब अगर सपोज मेरे पास 3 है, मैंने माइनस 5 कर दिया, तो आंसर क्या आता है? माइनस 2। क्या आता है? माइनस 2। अभी मैं सर बोलेंगे, आप लोग बोलोगे कि सर केमिस्ट्री की क्लास में मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको आता नहीं है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बेटा याद कर लो कि क्या पॉइंट हो रहा है, हमारी जो एनर्जी थी, हमारी एनर्जी नहीं, एडसॉर्ब पार्टिकल की जो सरफेस है, सरफेस की जो पार्टिकल की एनर्जी थी पहले हाई थी, बिफोर एडसॉर्प्शन कल लिखा था हमने, बिफोर एडसॉर्प्शन हाई एनर्जी एंड आफ्टर एडसॉर्प्शन, आफ्टर एडसॉर्प्शन इट इज लो एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब एडसॉर्प्शन के बाद में पार्टिकल की एनर्जी लो हो गई, बात पहले ज्यादा थी तो लो माइनस हाई नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच आएगा नेगेटिव, मींस आवर डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव फॉर एडसॉर्प्शन। जब एडसॉर्प्शन होगा तब डेल्टा एच की वैल्यू माइनस आने वाली है, ये बात याद रखेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म है इस इक्वेशन का वो हो गया नेगेटिव, ध्यान में रखेंगे आप इसको कि हमारा डेल्टा एच हो गया माइनस। कब माइनस हो गया? जब एडसॉर्प्शन हो रहा है तब की बात कर रहा हूं। अगर अभी एडसॉर्प्शन हो गया, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास देखो, यहाँ पे टर्म आ रहा है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है? अगर हम ये सब प्रोसेस रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, बट ये जो टेम्परेचर हम जो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर लेते हैं वो हमेशा केल्विन में होता है, डू यू रिमेम्बर? तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो केल्विन कभी माइनस में नहीं होता, याद रखना है। ये टेम्परेचर कभी माइनस नहीं हो सकता, डिग्री सेल्सियस माइनस हो सकता है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, केल्विन कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। रिमेम्बर, टी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो बच्चा क्या हमारे पास बच गया? डेल्टा एस। तो बेटा ये डेल्टा एस क्या होता है, क्या होता है ये डेल्टा एस? ये डेल्टा एस होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग रैंडमली अरेंज है, जैसे आप लोगों ने क्या किया, आपके पास जितनी भी बुक्स है, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बाकी जितने भी सब्जेक्ट की है, या सपोज केमिस्ट्री की आपके पास बुकलेट्स है, अलग अलग चैप्टर की बुकलेट्स है, आपने क्या किया, कुछ बुकलेट केमिस्ट्री में फिजिक्स की रख दी, फिजिक्स में केमिस्ट्री रख दी, सब मिक्स कर दिया, तो रैंडमनेस है यहाँ पर। तो रैंडमनेस होता है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज डेल्टा एस? दैट इज पॉजिटिव। बट अगर रैंडमनेस कम कर दे, मतलब अगर हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दे, ऑब्जेक्ट का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दे, या एनर्जी डिक्रीज कर दे, तो डेल्टा एस की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे कि एयर के जो पार्टिकल्स थे वो रैंडमली इधर उधर अरेंज थे, क्या थे? रैंडमली अरेंज थे। so, ये जीरो है याद रखना, ओके, सो दिस वन इज रैंडमली अरेंज। उनको एब्जॉर्ब करके सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट ला लिया यहाँ पर, तो अरेंजमेंट बड़ा या कम हो गया? तो रैंडमनेस कम हो गई, अरेंजमेंट सिस्टमैटिक हो गया, तो रैंडमनेस डिक्रीजेस, रैंडमनेस डिक्रीजेस। जब भी रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस? डेल्टा एस वैल्यू विल बी नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। तो ये टर्म हमारा हो गया नेगेटिव। इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखो तो पहला टर्म मेरा हो रहा है नेगेटिव, पहला टर्म नेगेटिव आ गया था डेल्टा एच, बीच में है माइनस, बीच में है माइनस, माइनस टी डेल्टा एस, टी हमारा प्लस है, प्लस इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? डेल्टा एस की वैल्यू आ रही माइनस नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है नीट वाले बच्चे? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस टू माइनस थ्री, सॉरी टू इंटू माइनस थ्री, माइनस सिक्स होता है, इसलिए ये माइनस का ऐसा रहेगा, ब्रैकेट के पहले का माइनस वैसा रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। बट अगर अब ध्यान देंगे तो ये जो माइनस साइन है ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस है यहाँ पर, माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस किसका है? ध्यान से देखो, ये माइनस डेल्टा एच का है और ये प्लस है टी डेल्टा एच का, तो समझ में आ रहा है? तो हमारे पास दो टर्म दिख रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, और हमारा फाइनल अगर एड्सॉर्प्शन हमें करवाना है, अगर एड्सॉर्प्शन करवाना है मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो प्रोसेस ऑटोमेटिक होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होनी चाहिए। वो माइनस आने के लिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस आनी चाहिए या डेल्टा एच की वैल्यू
सी डेल्टा एच से बड़ी होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू, अगर मैं ये कंडीशन लेता हूँ फर्स्ट कंडीशन स्पॉन्टेनियस कंडीशन, तो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से बड़ी रहेगी तब हमारा जी या फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। मतलब जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है या जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट टी डेल्टा एच से बड़ी होनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां पर फिर से मैं एक बार बता दूं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एब्जॉर्प्शन में जो थर्मोडायनेमिक्स टर्म है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक इक्वेशन है या जिससे हम डिसाइड करेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पे, वो है इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी। दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो ये सारे टर्म आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो। यहाँ पर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, तो एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होती है तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है और तब एब्जॉर्प्शन होगा। जब पॉजिटिव हो गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नेगेटिव कब आएगी हमें ढूंढना है। तो हमने पहले देखा डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है मतलब नेगेटिव है, डेल्टा एस की बात की डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस कम हो रहा है क्योंकि वो सिस्टमैटिक लग रहे हैं, तो डेल्टा एस कम हो रहा है, रैंडमनेस कम हो, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव हो गया वो भी। दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव। तो इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो पहला टर्म नेगेटिव है, बीच में माइनस है, दूसरा टर्म टी टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहता है। टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव इसलिए रहता है क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करें वो केल्विन में रहता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो पहला टर्म हमारा नेगेटिव है, दूसरा टर्म हमारा पॉजिटिव है, बट हमको ओवरऑल टर्म माइनस लाना है, नेगेटिव लाना है। इसके लिए मुझे माइनस डेल्टा एच को प्लस टी डेल्टा एच से बड़ा करना पड़ेगा, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर रिलीज ऑफ हीट शुड बी ग्रेटर देन जो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे उससे। समझ में आ गया? बट जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, ध्यान देंगे, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब पहले जब पार्टिकल कम रहेंगे, जब डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, एक ही पार्टिकल है, तब डेल्टा एच कम हो गया, मतलब इसकी वैल्यू छोटी रहेगी। जैसे जैसे पार्टिकल ऐड होते जाएंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब माइनस डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी डेल्टा एच से, टी डेल्टा एच से। तो क्या हो जाएगा, जब सरफेस पे पूरे पार्टिकल आ जाएंगे, पूरा सरफेस पैक हो जाएगा, जब पूरा सरफेस पैक हो जाएगा तो क्या एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है भी नहीं भी है, बट जब इसके ऊपर एक और लेयर आ सकती है, इसके ऊपर एक और लेयर आ सकती है, बट ये जो प्रोसेस इसमें बहुत कम एनर्जी, मतलब रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से कम हो जाएगी और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा। बट हमने देखा जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस है तब एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि पार्टिकल्स के लिए जगह थी, पार्टिकल्स आ गए, जब पार्टिकल्स पूरे पैक हो गए तब जगह नहीं बची और डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, मतलब एब्जॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगेन अब ये जब सब पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे तब क्या होता है, आपको पता है केमिस्ट्री में जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही तो रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसेस होगी, तो कुछ पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे जिसे हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो तभी क्या होगा, ये कंडीशन आएगी कि जितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, उस टाइम पर क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, मतलब एंथैल्पी की वैल्यू टी डेल्टा एस से इक्वल हो जाएगी और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब हमारा जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ नहीं होता है, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो फिर दो दिन के बाद भूल जाते हो, पढ़ाई करते हो भूल जाते हो, वो हो गया इक्विलिब्रियम। तो वैसे ही यहां पर क्या होगा कि जितने पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल वापस डिसॉर्ब, एब्जॉर्ब डिसॉर्ब। हमें लगेगा कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन भूल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो भूल रहे हो, तो जब एग्जाम होगी तब आपको मार्क्स अगर नहीं मिले तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने तो पढ़ाई की थी बट याद नहीं आया, भूल गया। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे पार्टिकल तो उठते ही है, सेम, चेंज ही नहीं हो रहे,
चेंज नहीं होंगे तो हम बोलेंगे इसमें तो एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप पढ़ाई करते हो और भूल जाते हो वैसे ही यहाँ पर एड्जॉर्ब होगा डिसॉर्ब होगा, एड्जॉर्ब होगा डिसॉर्ब, कब? इक्विलिब्रियम में। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर हमें स्पॉन्टेनियस में रहना होगा तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए आप जब पढ़ाई करते हो तो ज्यादा एनर्जी लगाओ, रिवाइज करो तो आपको याद रहेगा, वो स्टडी के लिए बताया। यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, फिर से एक बार मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारे इस लेक्चर में हमने हमारा कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन के एनर्जी रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझना होगा। उसमें हम ये फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यूज करने वाले हैं, जिसमें डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस मतलब क्या होता है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, लेकिन वो रैंडमनेस से पता चलती है। अगेन हमें पता है एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब फाइनल जो एनर्जी रहेगी वो लो रहेगी, तो लो माइनस हाई माइनस होता है, इसलिए चेंज इन एंथैल्पी हो गई माइनस। एंट्रोपी की भी बात करेंगे तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, क्योंकि पहले रैंडम ज्यादा थे बाद में लाइन से आ गए, पहले अब ग्राउंड में खेल रहे थे तब रैंडम ज्यादा थे, एक एक को पकड़ के लाइन से खड़ा कर दिया तो रैंडमनेस कम हो गई, तो कम माइनस ज्यादा लो माइनस हाई हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई डेल्टा एच की, तो पहला टर्म अपना डेल्टा एच नेगेटिव आ गया, बीच में माइनस है, बीच में माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, तो पहला टर्म आ गया माइनस, दूसरा टर्म आ गया प्लस, तो माइनस डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, मतलब चेंज इन एंथैल्पी अगर चेंज इन रैंडमनेस से ज्यादा रहेगी तब ही ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज जब रैंडमनेस पूरा भर जाएगा पूरा रैंडम हो जाएगा तो ये पार्टिकल अरेंज नहीं, मतलब ये पार्टिकल में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तब डेल्टा एच टी डेल्टा एच से लो हो जाएगा, तब एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, बट रुकता नहीं है, हमेशा इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, मतलब जितने एब्जॉर्ब होंगे उतने डिसॉर्ब होंगे, इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच, दैट एट दैट पॉइंट इट विल फॉर्म इक्विलिब्रियम। तो ये बहुत ही सिंपल थर्मोडायनेमिक्स टर्म आपने समझा, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे मैसेज, मतलब यू विल कमेंट अगर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में इन डिटेल्स को देखा है। ओके, तो इस पॉइंट पर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं, केमिसॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद द लेक्चर्स और इन सबको प्रॉपरली नोट डाउन करें एंड रिवाइज करें। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।